ये बहू ने पसंद किए हैं नंदिनी के लिए। अच्छे है ना छोटी दुल्हन? बहुत अच्छे हैं भाभी माँ। लो दादा आ गए। दादा आपको पता है मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है। अच्छा अच्छा अब आप ही मेरी हेल्प कीजिएगा पढ़ाई में। और इस बार दीदी भी तो नहीं है, ये मेरा फाइनल ईयर है तो मुझे अच्छे से मार्क्स चाहिए। रश्मि बेटा अब बस कर, अब भी तेरे दादा आए हैं, दो मिनट बैठने तो दे। तू तो आते ही शुरू हो गई, ये नहीं कि पहले जाकर पानी ले आ। नहीं माँ ठीक है। मुन्ना बेटा क्या हुआ, बुझा बुझा लग रहा है तू, दफ्तर में सब ठीक था क्या? जी कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। बहू जल्दी से चाय चढ़ा दो। नहीं भाभी माँ रहने दीजिए, चाय का मन नहीं है। माँ मैं कमरे में जाती हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ बेटा? पता नहीं जब से मंदिर से आई हूँ तबीयत खराब है। हाँ बेटा जाओ आराम करो, मुझे भी लग रहा था जब से मंदिर से लौटी है ये ठीक नहीं लग रही। बेटा तुम आराम करो, खाना तो तैयार है ही, हम परोसते समय तुम्हें आवाज दे देंगे। सब्जेक्ट लूं? वो देख लो रश्मि। दादा देखिए इकोनॉमिक्स और लिटरेचर तो कंपलसरी है लेकिन मुझे साइकोलॉजी पसंद है, तो इसलिए दादा बताइए ना कौन से सब्जेक्ट्स लूं? बताइए माँ आपको मेरा सुझाव कैसा लगा? हाय मेरी मैया, वर्षा भाभी फिर से पढ़ाई शुरू करेंगी? शारे बेटा ये तो तूने वर्षा के लिए बहुत अच्छा सोचा, इस समय इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सेठानी ऐसी हालत में वर्षा कैसे जाएगी? हाँ और क्या बेटा, तू बिल्कुल गलत समय पर वर्षा की पढ़ाई की बात कर रहा है। अरे कैसे करेगी वो सब? हाँ क्यों नहीं, घर पर बैठकर सिर्फ किताबें ही तो पढ़नी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यही सही टाइम है। अरे लेकिन तू तो कह रहा था कि हफ्ते में एक आध बार कॉलेज भी जाना पड़ेगा। बेटा ऐसे में कैसे जाएगी वो, और पढ़ाई की भी तो अपनी थकावट होती है। क्यों वर्षा? हाँ वर्षा कर सकती है, अब देखिए वो डॉक्टर के पास भी तो आती जाती है और अंशु को भी पढ़ा देती है, तो फिर खुद क्यों नहीं पढ़ सकती? बेटा अंशु को पढ़ाना कोई रोज का काम नहीं है, और डॉक्टर के पास तो मेरे साथ जाती है। बड़ी बहू ऐसा भी क्या है, औरतें इस हाल में दुनिया भर के काम करती हैं और रोज ऑफिस तक जाती हैं, और फिर वर्षा तो घर में बैठकर ही पढ़ाई करेगी, इसमें ऐसे परेशान होने वाली कौन सी बात है? माँ मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर हम सावधानी बरत रहे हैं तो इसमें गलत ही क्या है, भगवान ना करे कहीं कुछ। माँ आप क्यों इतना डरती हैं? तू नहीं समझेगा, एक साल नहीं पढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रही कि ना पढ़े, एक साल के बाद भी तो पढ़ सकती है। माँ बस ये बात अब यहीं पर खत्म समझो। धनिया चल चल के रसोई साफ कर।
अशरफ प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूं इस वक्त आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता देना चाह रहा था, इसलिए तो मैंने आपको घर पर रुकने के लिए कहा। प्लीज अक्षरा कहिए, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप, कहिए। अक्षरा प्लीज मुझे समझिए, मैं आपको आपका सच बताने का एक मौका दे रही हूं, बताइए। वो शंकरी ताई ने आपसे कुछ कहा होगा, क्या उन्होंने स्नेहा जी के बारे में कुछ कहा? हाँ, शंकरी ताई ने मुझे सब कुछ बताया। अब आपके पास बताने के लिए है ही क्या, कहीं आज मैं सब जानना चाहती हूँ। एक एक बात, नितिक जी का फोटो कहाँ गया? अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे और स्नेहा जी के बीच में सिर्फ काम का रिश्ता है और कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारे लिए डिजाइन्स बनाती हैं और हम लोग काम के सिलसिले में मिलते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। सिर्फ काम का रिश्ता है और कुछ भी नहीं? हाँ अक्षरा, और क्या होगा? ये फोटोग्राफ तो कुछ और ही कह रही है नैतिक। मतलब ये स्नेहा के घर से आई है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए स्नेहा को आपकी फोटोग्राफ की जरूरत पड़ गई? पूछेंगे नहीं कि ये मेरे पास कहां से आए? अक्षरा ये कैसे? आई मीन ये स्नेहा की मां ने आपके और स्नेहा के रिश्ते के लिए शंकरी ताई को दी थी। शंकरी ताई ने मुझे बुलाकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। नैतिक, क्या आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है? यही है आपका सच? ये है आपका प्रोफेशनल रिश्ता स्नेहा के साथ? नहीं अक्षरा, सच मैं नहीं जानता कि ये कब कैसे फोटो वहां पहुंच गई। प्लीज नैतिक, अब और झूठ मत बोलिए। कितना झूठ बोलेंगे? मैं नहीं मानती कि आपको पता नहीं था। नहीं पता, सच। अक्षरा प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। उस दिन जब मैं स्नेहा जी से पार्क में मिलने गया था, तब मैंने सोचा था कि आपको सब कुछ बता दूं। लेकिन मैं खुद इतना शॉक था जब स्नेहा जी ने मुझसे कहा कि वो नहीं जानती थी कि मेरी शादी हो चुकी है। वो यही सोच रही थी कि मैं अब तक बैचलर हूं, इसीलिए वो आपसे प्यार कर बैठी है ना नैतिक? हाँ अक्षर, शायद उन्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन सच मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। नहीं पता आपने उनसे क्या कहा और क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कोई भी लड़की किसी लड़के से ऐसे ही नहीं प्यार करने लग जाएगी। आपने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से वो आपसे शादी के सपने देखने लग गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ गई। सच अक्षरा, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने ही सोच लिया। मैं नहीं मानती कि सब कुछ स्नेहा की तरफ से हुआ होगा। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं नैतिक। सच तो ये है कि इतने दिनों से आपने हम दोनों को धोखे में रखा, अंधेरे में रखा, उससे भी झूठ बोलते रहे और उससे भी सब कुछ छुपाते रहे।
विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। मेरे लिए सब कुछ आप हैं, सिर्फ आप अक्षरा। अक्षरा तो फिर स्नेहा को गलतफहमी कैसे हुई? नहीं जानता, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरी सारी बातों को वो गलत क्यों ले रही है। कौन सी सारी बातें? आप मुझे अब एक एक बात ठीक ठीक बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। आप जानती हैं अक्षरा, मैंने स्नेहा जी को एक अच्छा डिजाइनर समझा, इसलिए उनको काम दिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी बातें उन्होंने गलत कैसे ले ली। लेकिन उन्होंने आपको एक पर्सनल थैंक यू कार्ड भी भेजा था ना नैतिक, जिसके लिए मैंने आपसे कहा भी था कि नैतिक ये कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। ऐसा और बहुत कुछ हुआ होगा ना नैतिक, जो मुझे नहीं पता है और जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ गई। नहीं नहीं अक्षरा, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो बस एक बार उनके बर्थडे पार्टी में गया था। बर्थडे पार्टी कब? हाँ हाँ वो देखा, आपने मुझे ये भी नहीं बताया। इसका मतलब मेरा शक सही था, कुछ तो गलत हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल नहीं था नैतिक, इसीलिए मुझे खटक रहा था। अब आप सब कुछ स्नेहा की गलती मत बताइए, आप खुद किसी भी काम के बहाने उनसे मिलने में कितना इंटरेस्ट दिखाते थे मैंने देखा है नैतिक। अक्षरा ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। अक्षरा प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। कैसे करूं मैं आपका विश्वास, कैसे? अक्षरा वो राहुल ने ही मुझसे कहा था कि अगर हम अपनी पत्नी के सामने दूसरी लड़कियों की तारीफ करें, उनके गुण गाएं, तो वो घबरा कर हमारे और करीब आ जाएंगी, हमारी ज्यादा परवाह करेंगी और उनका हमारे लिए प्यार भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए शुरू शुरू में मैंने आपका अटेंशन पाने के लिए ये सब किया। फोन पे जब भी मैं उनसे बात करता था तो आपको दिखाने के लिए स्नेहा जी कहता रहता था ताकि आप चिढ़ जाएं, और आप चिढ़ भी जाती थी। आप मुझ पर ज्यादा ध्यान देने लगी, मेरी हर बात में आप इंटरेस्ट लेने लगी। लेकिन अक्षरा मैंने कभी स्नेहा जी से कुछ नहीं कहा, कभी नहीं। अक्षरा आप मुझे कसूरवार समझती हैं, लेकिन मैंने जो भी किया आपके सामने आपसे कहकर आपके लिए किया। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। आपने मेरा ध्यान पाने के लिए स्नेहा से दोस्ती बढ़ाई? नहीं नहीं अक्षरा, मैंने स्नेहा जी से ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ लेकिन अपनी हर मुलाकात को मैं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताता था, ज्यादा तारीफों के पुल बांधता था ताकि आपको जेलस फील हो। तो आपने मेरा मजाक बनाया था। अक्षरा प्लीज, मैंने ये सब आपको अपने करीब लाने के लिए किया था। देख लिया ना कितने करीब आ गए हो। प्लीज अक्षरा, अगर मैं आपको ये सारी बातें पहले बता देता तो शायद आपको इतना बुरा फील नहीं होता। आप मुझे समझती, लेकिन मेरी ही गलती है, मैंने आपको पहले चीजें नहीं बताई। तो क्यों नहीं बताया नैतिक? क्योंकि मुझे लगा कि हमारे बीच अभी सब कुछ ठीक हुआ है, हम लोग दोनों कितना खुश थे, और मैं नहीं चाहता था कि स्नेहा जी की बात लेकर ये सारी खुशियां छिन जाए। प्लीज अक्षर मेरा आप यकीन मानिए। कैसे यकीन कर लूं मैं आपका? अगर मुझे शंकरी ताई ने नहीं बुलाया होता और अगर वो मुझे सारी बात नहीं बताती तो शायद आप मुझे कभी नहीं बताते। अब अपनी गलती छिपाने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए आप ये सब मत कहिए। प्लीज देखिए। नहीं नैतिक, नहीं। क्या हुआ? नैतिक जी का फोटो कहाँ है? वो तो वही होगा डायरी में। हाँ वही तो, वहाँ नहीं है। कहीं कहीं माने वो फोटो उसने अपने पास ही तो नहीं रख लिया था? बताने अगर वो मुझसे पूछेंगी
तो मैं क्या कहूंगी उनसे? मासी जी क्यों लेंगी फोटो? वो तो तेरी किताबें कभी छूटी भी नहीं। मिताली, उस दिन शंकरीताई भी आई थी, कहीं माने उन्हें तो। अरे ये क्या हाल कर रखा है तुम लोगों ने कमरे का? वो मासी जी, स्नेहा कुछ ढूंढ रही थी। मेरी किताब माँ, वो मेरी किताब नहीं मिल रही है। कौन सी किताब बेटा? वो डिजाइन्स वाली, जेवर के डिजाइन्स। अरे यहीं कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। वैसे मासी जी, उस दिन शंकरी ताई आई थी ना? वो तो ऐसे ही आई थी, कुछ काम था उन्हें मुझसे। लो, मैं तो भूल ही गई, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। माँ, शाम हो गई है। तो क्या हुआ बेटा, घूमने ही तो जाना है, कुछ अच्छा मिलेगा तो तुम लोगों के लिए खरीद लूंगी। हाँ स्नेहा, चलते हैं ना। चलिए माँ। चल। देखिए इस कमरे को, इसमें बिताया हुआ एक एक पल, क्या वो सब झूठ है? अक्षर, क्या आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे सकता हूं? हो सकता है मेरी बातों पर आपको भरोसा ना हो, लेकिन लेकिन क्या आपको इस नैतिक पर भरोसा नहीं है, जिसकी आंखों में आपके लिए कितना प्यार है? आज तक के हमारे साथ पर आप उंगली मत उठाइए। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे आपको भरोसा दिलाऊं? अक्षर, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं, और मेरा प्यार झूठा नहीं, मेरा दिल बिल्कुल साफ है, और इस दिल में सिर्फ आपकी ही जगह है, और कभी किसी की हो ही नहीं सकती। देखिए, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने स्नेहा जी के डिजाइन की तारीफ की, लेकिन उन्हें लगा कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। मेरी नॉर्मल सी बातों को पता नहीं उन्होंने कुछ अलग नजरिए से ही देख लिया। हम जब भी मिले अक्षर, आप काम के सिलसिले में मिले, उनके डिजाइन तो क्लाइंट को भी पसंद आए, बाबू जी को भी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें मेरी बातें कुछ अलग लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादा, हाँ रश्मि। दादा, माँ ने आपके लिए अदरक वाली चाय भेजी है। भाभी, आपका सर दर्द कैसा है? ठीक है, चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। आप इसे क्यों पी रहे हैं? मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। आजकल तो आप कॉफी पीते हैं ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।